नमस्कार, आप देख रहे हैं मेल बिहार। तेज दौड़ती जिंदगी के कारण आजकल सेहत का ख्याल रख पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए योग सबसे अच्छा माध्यम है। आज हम आपको तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई आसन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। तितली आसन एक बहुत ही आसान योग है। तितली आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। इसके बाद हाथों से पैरों की उंगलियों को उसके पास से पकड़ें और एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ और शरीर पूरी तरह सीधे होने चाहिए। सामान्य सांस लेते हुए दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। जिस तरह तितली अपने पैरों को फैलाती है, उसी तरह आपको अपने पैरों को हिलाना है। अपने पैरों को धीरे धीरे लगातार 15 से 20 बार ऊपर नीचे की ओर ले जाएं। अब आप अपने पैरों को सीधा करके सामान्य मुद्रा में ले आएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। तो ये तो स्टेप्स थे आसन को करने के। अब जानते हैं तितली आसन करने के फायदे। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर को लचीला बनाता है तितली आसन। जोड़ों का दर्द अगर किसी को है तो वो भी दूर करता है। महिलाओं को अक्सर पीरियड्स में पेन हुआ करते हैं, यानी कि दर्द होता है पेट में, तो पीरियड्स में भी तितली आसन से बहुत ही दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था में डिलीवरी के समय होने वाला दर्द कम होता है। पैरों की थकान दूर करता है, आंतों को मजबूत बनाता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम समस्याएं जैसे एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आदि को दूर किया जा सकता है सिर्फ तितली आसन से। तितली आसन में कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। जिन लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द हो, वे लोग तितली आसन का अभ्यास न करें। दूसरा, इस आसन को करते समय पैरों को ज़्यादा जोर से नहीं हिलाएं। इस आसन को धीरे धीरे करें और अपनी शरीर के क्षमता के अनुसार ही ये आसन करें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, अगर आपको हाल में कोई चोट लगी हो या आपकी सर्जरी हुई हो तो ये आसन न करें। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सियाटिका के मरीज भी इस मुद्रा को बिल्कुल न करें, या कूल्हों के नीचे गद्दी रखकर ही तितली आसन करें। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक साबित होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी हर अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।